हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी सॉफ्ट ग्लैम मेकअप। Oh my god, I'm in love with my skin actually. One of my subscribers, she told me to create a makeup look for winters जो बहुत ही ज़्यादा juicy, बहुत ही dewy हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, खासकर मेरे उन लोगों के लिए जिनको ड्यूई स्किन पसंद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So before moving on to the makeup, you need to prep your skin very, very properly. Cleaning, toning and moisturizing is very, very essential. And also use SPF अगर आप makeup करते हो day time पे। फिर मैं यूज़ करी हूँ ये स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम मैक। इट्स अ ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटर गाइस। ओ माय गॉड, आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट इट इज़ वर्थ। ओके, अगर आप इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि मैक की वेट एंड वाइल्ड का जो इल्यूमिनेटर है वो बहुत अच्छा है। मास्टर स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम मेबेलिन इज़ टू गुड, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। जब भी आप स्ट्रोब क्रीम यूज़ करें उसके बाद आप जब फाउंडेशन लगाएं, कोशिश करें आपकी जो फाउंडेशन हो वो फुल कवरेज नहीं होनी चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी वेरी वेरी फुल कवरेज। जैसे कि ये जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है बट आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो मैंने इसको ज़्यादा बिल्ड नहीं किया है, मैंने बहुत ही ज़्यादा वन ही टाइम इसको लेयर किया हुआ है, तो ज़्यादा इसकी कवरेज नहीं आई है। सो दिस इज़ अ बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन। ओके, तो कोशिश करें हमेशा थोड़ी सी मीडियम कवरेज ही रखें, अदरवाइज़ वो जो आपका इल्यूमिनेटर होगा ना वो आपकी स्किन से पीक नहीं हो पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इल्यूमिनेटर लगाने का। तो अच्छे से पैटिंग मोशन में मैं पैट पैट करूँगी और उसके बाद ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मैं सीमलेसली ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पर आप फुल कवरेज कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फुल कवरेज जो कंसीलर होगा वो हमारे डार्क सर्कल्स को हाइड करेगा, पर मैं फुल कवरेज नहीं यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर। ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्यूटीफुल कंसीलर, यू कैन बिल्ड द कवरेज। बट एज आई मेंशन्ड कि मुझे बिल्कुल ही नेचुरल सा बेस रखना था अपना, इसलिए मैंने इसको बिल्ड नहीं किया है। तो इसको ब्यूटी स्पंज की हेल्प से लगा दूँगी। और ब्यूटी स्पंज की हेल्प से क्या होता है कि आपका जो मेकअप होता है ना बहुत एयर ब्रश लगता है, ठीक है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि आपने मेकअप थोपा नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्यूटी स्पंज होता है वो एक्सेस रिमूव कर देता है। और इस पैटिंग मोशन में आपको अपने फेस पे जेंटली यू हैव टू टैप इट, यू डोंट हैव टू रब इट, यू डोंट हैव टू पुश योर फाउंडेशन, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा यार। तो यू जस्ट हैव टू स्टैम्प इट। ओके, थप्पा लगाता है ना किसी चीज़ पे, वही करना है आपको। फिर मैं यूज़ करी हूँ ये क्रीम ब्लश फ्रॉम कीको, और उसके बाद उसके अंदर मैंने मिक्स किया है सेम स्ट्रोब क्रीम। आप कोई भी इल्यूमिनेटर लिक्विड वाला यूज़ कर सकते हो। और आप देखें कितनी फ्लश्ड लग रही है मेरी चीक्स, ऐसा लग रहा है कि भर भर के मैंने बाल्टियाँ पानी पिया हुआ है। और बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है यार जब आप ये वाला स्टेप करोगे। तो फिर मैंने यूज़ किया है क्रीम हाइलाइटर। नाउ आई एम यूजिंग ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स before my powder products. Now this is a beautiful highlighter you guys. I will suggest you कि आप master chrome from Maybelline भी use कर सकते हो। I hope I'm pronouncing it in a right way. But हाँ, कुछ ऐसा है उनका स्ट्रोबिंग स्टिक, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने सिर्फ अपने अंडर आई एरिया को सेट किया है यूजिंग वेट एंड वाइल्ड कंटोर पैलेट, दैट बनाना पाउडर से हाईलाइट हो जाएंगी मेरी अंडर आई एरिया। और बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट है मेरे ब्रश पे, और हल्के से डस्ट कर दूंगी अपने फेस पे। ज़्यादा नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी स्किन ड्यूई नहीं लगेगी, इट विल लुक क्रस्टी एंड केकी। सो यू हैव टू जस्ट लाइटली डस्ट पाउडर ऑल ओवर योर फेस। मैं स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्यूई और नेचुरल दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही हल्के हाथ से ब्रॉन्जिंग भी की है यूजिंग सेम पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट यू गाइस। एंड ये जो ब्रॉन्ज़र है, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ ये हूला ब्रॉन्ज़र का ड्यूप है, क्योंकि मेरे पास हूला भी है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बजट में है ये पैलेट, बहुत प्यारा पैलेट है ये। तो आप देखिए मेरा जो ब्रॉन्ज़र है कितना नेचुरल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटोरिंग या ब्रॉन्ज़र लगाया हुआ है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल का पाउडर ब्लश। नाउ जस्ट लाइटली डस्ट ऑल ओवर माय चीक्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो पिंकी पिंकी ड्यूई सा इफेक्ट बहुत सुंदर लगता है। तो आप ऐसे सेट कर सकते हो अपने क्रीम ब्लशेस को विद अ पाउडर। अगर आपको पाउडर नहीं लगाना है, स्किप इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं अपने ब्रोज़ को करूँगी टेम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है गाइज़। अगर आपकी ब्रोज़ अच्छी नहीं लगेंगी तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो ब्रोज़ होती है ना वो आपके एक पूरे फेस मेकअप को फ्रेम देता है। ओके, अब मैं अपने आईलिड एरिया को जस्ट अपनी उंगली की हेल्प से सेट कर दूंगी, मतलब क्रीजेस को हटा दूंगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक टू अप्लाई आई शेडो। हाउ सिंपल इज़ दैट। मैं यूज़ कर रही हूँ कोरल शेड। आपके पास कोई भी अच्छी लिपस्टिक है जो आपके आउटफिट के साथ मैच होती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। और कोशिश करें जल्दी से जल्दी ब्लेंड कर लें, अदरवाइज़ ये मैट लिपस्टिक्स होती हैं तो बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अब मैंने मॉर्फी का ये पैलेट लिया, उसमें से ये कलर लगाऊंगी एज अ ट्रांजिशन कलर विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। और इस मेकअप की लुक मैं आपको नेचुरल लाइट में भी दिखाऊंगी कितना फ्लॉलेस लग रहा है मेरा मेकअप। बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ है गाइस, ये आप ट्राई कीजिएगा इस विंटर सीजन में। फिर मैंने इसी सेम पैलेट से, जैकलिन हिल पैलेट से, डार्क ब्राउन कलर लिया है। और मैंने कोई स्टार्क लाइनर नहीं लगाया है, बहुत ही डिफ्यूज काइंड ऑफ लाइनर इफेक्ट दिया है यूजिंग अ काइंड ऑफ फ्लैट शेडर ब्रश। थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है बट डेंस होता है। ओके, फिर फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं कलर्स को ब्लेंड कर दूँगी सो दैट कि एक स्टार्क सी लाइन विजिबल ना हो। इट शुड बी blended, it should be a kind of diffused effect, क्योंकि मुझे ऐसी लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल बहुत इन भी हैं। तो बस एक छोटू सा विंग मैं बाहर की तरफ ड्रॉ करूँगी विद द सेम ब्रश। आपको प्रिसाइज नहीं होना, यू हैव टू बी वेरी, मतलब स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट देना आपको। ओके, अगेन कलर को पिक करती रहूँगी और क्रिएट कर, मतलब बिल्डअप करती रहूँगी कलर की इंटेंसिटी। Now comes the fun part guys, I'll be applying liquid glitters, yes, और अपनी उंगली की हेल्प से अच्छे से डिस्पर्स कर दूँगी ग्लिटर्स को, क्योंकि मुझे वो स्टार्क इफेक्ट पसंद नहीं है। बहुत अच्छी लगती है जब आप उंगली की हेल्प से ना ग्लिटर्स को अपने अच्छे से ब्लेंड कर दें। तो मैंने यूज़ किया है ये अर्बन डिके का ग्लिटर। आप स्विस ब्यूटी के भी यूज़ कर सकते हो, बस उसको थोड़ा सा लगाइए और उंगली की हेल्प से अच्छे से डिस्पर्स कर दीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। देखिए कितना सिंपल मेकअप लुक है यार, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको वेयर कर सकते हो। मुझे लगता है किसी भी साड़ी, किसी भी कॉस्ट्यूम के साथ, किसी भी वेस्टर्न वेयर के साथ आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। लगाऊंगी मैं फॉल्सीज, एंड फॉल्सीज भी मैंने बिल्कुल नेचुरल लगी है। अगर आपने फॉल्सीज नहीं लगानी है, गो अहेड यूज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मस्कारा। अब मैंने सेम पैलेट से डार्क ब्राउन कलर लिया है और अपने इनर कॉर्नर्स में मैं इस कलर को लगाऊंगी सो दैट कि मेरी लैशेस अलग अलग ना लगे। इट शुड लुक लाइक कि मेरी नेचुरल लैशेस ही बहुत ही फ्लटरी है। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको स्टार्क सा लुक नहीं चाहिए लाइनर का, तो आप आई शेडोज़ को भी अपने इनर कॉर्नर्स में लगा सकते हो। और सेम कलर्स को मैं यूज़ करूँगी विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड पेंसिल ब्रश, और इसी से मैं सारे अपने लोअर लैश लाइन पे कलर लगा दूँगी, क्योंकि बैलेंस लुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मस्कारा लगाऊँगी खूब सारा लोअर लैशेस पे भी। अगर आप समर मेकअप करते हो तो प्लीज़ वाटरप्रूफ मस्कारा लगाएं लोअर लैशेस पे, क्योंकि फिर स्मज आउट हो सकता है। फिर मैं यूज़ करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस हेटल्स, और इससे लगाऊंगी मैं हाइलाइटर और पूरे फेस पे हल्के हाथ से डस्ट कर दूँगी। ये बहुत ही नेचुरल दिखने वाला हाइलाइटर है। यू कैन डेफिनेटली बिल्ड इट अप, बट आई डोंट वॉन्ट टू बिल्ड इट अप, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ना अननेचुरल लगता है, अच्छा नहीं लगता इतना। तो फिर वही कोरल करप्शन को लगाऊंगी और अपने फिंगर की हेल्प से अच्छा सा एक स्मज्ड इफेक्ट दे दूँगी, क्योंकि अगेन आई विल से कि मुझे ना ज़्यादा इंटेंस लिप्स नहीं रखने थे, बहुत ही ब्लोन इफेक्ट रखना था, बहुत ही स्मज्ड इफेक्ट रखना था। एंड टू सेट माई मेकअप आई विल बी यूजिंग नेक्स्ट ड्यूई सेटिंग स्प्रे। नाउ दिस सेटिंग स्प्रे विल मेक माई मेकअप लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम एंड ऑल्सो इट विल मेक माई फेस मेकअप लुक ड्यूई। So that's it for this video guys. I hope you found this video useful. और बहुत ही dewy, बहुत ही juicy ये makeup look turn out हुआ है। कैसा लगा आपको मेरा ये makeup look? Please मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए natural light में भी कितना flawless लग रहा है मेरा face, कितना fresh, कितना ड्यूई लग रहा है। बहुत सुंदर टर्न आउट हुआ है यार ये मेकअप लुक। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। इनफैक्ट कोई भी लुक्स अगर मेरी रिक्रिएट करते हो ना, तो इंस्टाग्राम पे यार टैग कर दिया करो, मुझे खुशी मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन यू स्टे हैप्पी, हैप्पी फेस्टिवल्स गाइज, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय, टेक केयर।